तो व्हाट इज अप सभी लोग, सभी लोग वेलकम बैक टू द चैनल लगे हैं। दिस नितिन पारीख एंड यू आर वाचिंग अपना चैनल DNP व्लॉग्स। तो कैसे हैं सभी? सब चंगा सी, सब बढ़िया। तो पिछले कुछ दिनों से मेरी रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, अप्रोक्स 8 दिन हो गए, ये 8वीं वीडियो है। और आज की वीडियो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपने बाइक पर कुछ काम करवाया मैंने ह्यूज राइडर से, करोलबाग से, और काम इतना बड़ा नहीं है पर काम ज़रूरी था, और एक ज़रूरी था एक ऐसे ही था तो वो करवाया है। तो अपनी बाइक रही यहाँ पे अपने साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है अपनी बाइक पे, अपनी बाइक पे मैंने अभी क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं और क्या क्या लगवानी हैं, क्या क्या आप लगवा सकते हो उस चीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट और मैं बताता हूँ कि मैंने कल क्या क्या करवाया है और क्या क्या करवाना है आगे। तो भाई ये अपनी बाइक है मेरे साथ में यहाँ पे, अपनी बीस्ट, अपनी द अपाचे, द अपू जहर। तो जो मैंने इसमें कल काम करवाया है, प्राइस भी बता दूँ कितने का करवाया है। और इतना, एक तो ये नियॉन स्ट्रिप दिख रही होगी, एक तो ये करवाई है मैंने, ठीक है, ये वाली नियॉन स्ट्रिप, ये पूरी इस तरफ भी है नियॉन एंड बीच में जाके इधर से भी है नियॉन। तो बाइक के लुक साइड से ऐसे दिखते हैं मस्त। और इसके बाद में अगर यहाँ पे स्टार्ट करूँ बाइक को, तो मैंने ये वाली लाइट लगवाई है, ये देखो सही मतलब है, ये देखो तो अगर लाइट की बात करूँ तो ये लाइट लगी है मेरी नाइट आई की, जो कि आती थी पहले जब मैंने लगवाई थी 1 साल पहले, तो ये आती थी 1000 की, तो मुझे 1000 की पड़ी थी, और ये अभी मुझे पड़ी है 1200 की विदाउट वारंटी। इसके साथ वारंटी आती है पर मुझे कोई वारंटी नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि अभी चाइना बंद है, उसकी वजह से कोई वारंटी नहीं मिली। ये फ्रेम अच्छा है, चाइना बंद है और सारा सामान चाइना से आता है, तो उसके हिसाब से मुझे कोई वारंटी वगैरह नहीं मिली है। ये स्ट्रिप्स मैंने लगवाई है दोनों तरफ, एक इस तरफ यहाँ पे अपना नाम और उस तरफ भी सेम है। तो ये स्ट्रिप्स लगवाने का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि अगर जिसके पास अपाचे है, जो अपाचे ओनर, उनको पता होगा कि इसका यहाँ से पेंट उतरने लग जाता है धीरे धीरे करके, और ये सब भी सेम यहाँ पे हो रहा था, तो मैंने यहाँ करवाया और लुक भी इसका अच्छा लग रहा है। अगर ध्यान से देखें तो बहुत, भाई रुक जाओ, कहाँ वो करे हो। और इस तरफ से अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे एक स्क्रैच है, मेरे से मेरी बाइक गिर गई थी बहुत पहले, तो उसकी वजह से यहाँ से पेंट उतरा हुआ ये रहा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो उस वजह से मैंने ये लगवाया। और लगवाने के बाद में ये नहीं कि भद्दा लग रहा हूँ, लगवाने के बाद में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये हमको तो अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा नहीं लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर इसमें से इसकी बात करें तो मैंने यहाँ पर लगवा रखा है एक ये फ़ोन का हैंडल, फ़ोन का जो माउंट होता है, होल्डर होता है ये, इसको केकड़े वाला माउंट कहते हैं। ऑल दो सब कहते हैं कि ना ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, पेचकस वाला लगाओ, ये लगाओ, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो कसने वाला टाइट, जो कसने वाला टाइट वाला होता है वो ना ही लगवाओ तो अच्छा है, क्योंकि उसमें बार बार कसना पड़ता है और अगर भाई उसका स्क्रू ढीला हो गया तो फिर हो जाएगी दिक्कत। तो इसलिए ये वाला बेस्ट है। और आप करो थोड़े से सिनेमैटिक्स इन्जॉय, और क्या क्या काम होने वाला है मेरी बाइक में आगे उसके बारे में बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, क्योंकि मतलब पहले सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो फिर बताते हैं।
भाई कैसे लगे थोड़ी सिनेमेटिक्स वगैरह जो मैंने अभी लिए हैं अपनी बाइक के, अपनी अप्पू के? होप सो अच्छे लगे होंगे। तो भाई बाइक के शॉट्स आपको अच्छे लगे होंगे जो हमने सिनेमेटिक्स वगैरह लिए हैं अपनी बाइक की। ये मतलब लुक्स इसके बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैंने नियोन में जानू चाहिए कराया क्योंकि ग्रे और नियोन का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा प्यारा लग रहा है। ऊपर से मैंने इसमें हेडलाइट लगवाई है, वो मैंने आपको बता दी कि कौन सी लगवाई है। एक बार रोशनी फिर से देखो हेडलाइट की यार। साउंड तो अपनी अप्पू का है ही मस्त एक बार। मतलब ये है अगर ये स्टीकर से अगर रोड पे चलती तो रोड प्रेजेंस है इस चीज़ की, अच्छी लगती है रोड पे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सिनेमेटिक्स अच्छे लगे होंगे, थोड़े बहुत ग्राफिक्स जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। और भी आएंगी वीडियोज़ अपने मॉडिफिकेशन की, इस बाइक में वो क्या क्या काम करवाना है तो मैं आपको बता दूँ। एक तो पूरी इसकी रैपिंग चेंज करवाऊँगा, कुछ स्टीकर्स आने वाले हैं वो चेंज करवाऊँगा, इसके साइड मिरर चेंज करवाऊँगा, बार एंड चेंज करवाना है, ये जो रस्सी लगी हुई है क्रैश गार्ड ये चेंज होना है, और इसकी सीट चेंज होनी है, एंड जो इंटरनल काम है उसमें कहूँ तो किसी क्लच प्लेट्स चेंज होनी है, और इसका चैन सेट चेंज होना है। अभी तक तो ये काम है जो मेरे दिमाग में है, जब करवाऊँगा तो आपको अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड ऑन DNP ब्लॉग्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, होप सो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब करा रखा था सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव टू बी हीरो। बाय बाय, टेक केयर। Oh hey, thanks dudes. We'll be in touch. Call me. Deadpool, Babes Mayhem. Let's get it on. Deadpool.